हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज आप लोग देखेंगे बायोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट, जो कि 6th पार्ट है ये। चलो डिस्कस करते हैं। अगर अभी तक नहीं देखा है पार्ट तो आप लोग चैनल में जाके देख सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन क्या है, ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्निया। कॉर्निया हो जाएगा इसका इसका राइट आंसर। और इमेज में देखेंगे जैसे कि ये है कॉर्निया, इसके बारे में जानेंगे। कॉर्निया ये क्या है? हमारा एक लेंस। जैसे कि कॉर्निया क्या है? कॉर्निया जो है आँखों का वह पारदर्शी भाग होता है, आँखों का वह पारदर्शी भाग होता है जिस पर बाहर का जो प्रकाश पड़ता है, ये देख रहे हैं ना आप लोग, जो प्रकाश पड़ता है और उसका प्रत्यावर्तन मतलब प्रक्रिया होती है, प्रत्यावर्तन होता है, यह आँख का लगभग 2/3 हिस्सा होता है। आँख का जो हिस्सा जो होता है 2/3 हिस्सा होता है, और जिसमें जो बाहरी आँख का रंगीन होता है, ये आप लोग देख रहे हैं बाहरी आँख का रंगीन, एक सेकेंड। हाँ, ये जो बाहरी आँख का जो रंगीन भाग होता है, ये रंगीन जो भाग होता है, ठीक है, तो यह पुतली और लेंस का जो प्रकाश होता है, पुतली और लेंस का जो प्रकाश होता है, प्रकाश जो होता है देने वाला हिस्सा होता है, ठीक है, जो पुतली और लेंस का जो प्रकाश देने वाला हिस्सा होता है ये वाला, ठीक है। तो ये लेंस हो गया, ये एक हमारे रेटिना के इधर का भाग होता है, ठीक है। और जैसे कि ये एक हो गया पुपुल, ये नीचे होती है, ठीक, इसी प्रकार होता है, आप लोग देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जानते हैं जैसे कि विटामिन जो, जैसे कि आँखों का जो दोष होता है किस कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से ही आँखों पर दोष होता है, जैसे कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है आँखों में, ठीक है। और जैसे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है, और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। जैसे कि विटामिन की खोज किसने की? जो कि फंके ने की थी, और जो पहले जो है 1881 ल्यूनिन ने, ठीक है। और जैसे कि उपचार होता है गाजर हो गया, इसी प्रकार की चीज़ें खाने से जो है आँखों पे कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता, ये चीज़ खाना चाहिए ताकि आँखों में क्षमता बढ़ती है। चलो नेक्स्ट देख ले। जैसे कि नेक्स्ट क्या है? दुग्ध में दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है, तो इसका राइट आंसर रेनिन हो जाएगा। ये पिछले वीडियो में क्वेश्चन बताया भी था। अगला जैसे कि देख लेते हैं, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर छोटी आंत में। किसमें? छोटी आंत में होता है, ठीक। चलो अगला देखते हैं। देखते हैं लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, जो कि इसका राइट आंसर ये होगा। चलो अगला देखते हैं। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम ही आवश्यकता पड़ेगी, पानी तो पड़ेगा नहीं, हवा पड़ेगी नहीं, खनिज पड़ेगी नहीं, एंजाइम ही एक ऐसा होता है जो पचाने के लिए एंजाइम की ही ज़रूरत पड़ती है। अगला देखते हैं, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो इसका राइट आंसर स्टार्च हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा इसका राइट आंसर। अगला देखें, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कि उदर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल से। ये भी अच्छा है जो है।
देखें अगला, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा भाग अंग चूषण करता है? तो इसका राइट आंसर वृक्क होगा। जो कि इसमें कहा गया है पचे हुए भोजन को, जो विषैले पदार्थ को कौन सा अंग चूषण करता है, जैसे कि इसका राइट आंसर यकृत होगा। जैसे कि शरीर में सबसे बड़ी भारी ग्रंथि होती है, यह 1.5 kg की होती है, ठीक है, और सर्वाधिक पुनरुद्भवन क्षमता इसी में पाई जाती है, यकृत में। यह शरीर से जहरीले पदार्थ को निकालता है, यही चीज़ देखो, विषैले पदार्थ को ना, जहरीले पदार्थ को निकालता है, जैसे कि अमोनिया अमोनिया को यूरिया में बदलता है, ठीक है, यकृत। अमोनिया को या अमोनिया जो है को यूरिया में बदलता है, यकृत में। चलो अगला देखते हैं, इसका राइट आंसर यकृत होगा। पित्त में निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो आप लोग कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यकृत। अभी यकृत के बारे में आप लोग डिटेल में जान ही लिया है। एक बात और जान लो, एक बात और जाने, जैसे कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसा बनता है कि पुनरुद्भवन की क्षमता जो है सर्वाधिक सर्वाधिक अगर पूछा जाए तो यकृत में तो होती है, लेकिन इसके बाद किस में होती है, जीव में होती है, ठीक है, जीव में होती है। और जैसे कि आप लोगों को हम बता दें, और एग्ज़ाम में और एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे सबसे अभी सर्वाधिक जाना, सर्वाधिक में यकृत होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्षमता तो मस्तिष्क में होती है, ये आप लोग जानें, ठीक। और जैसे कि जीवों में बात कही जाए, सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता जीव में किस में होती है, तो लिजार्ड में होती है, जो कि छिपकली छिपकली में होती है। और जहरीली में पूछ लिया जाए तो हेलोडर्मा एक जीव होता है, ये बहुत जहरीला पदार्थ होता है, जीव होता है मतलब। और आप लोग जैसे कि अग्नाशय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, अमाशय अमाशय में भोजन जो होता है, जो लोग खाते हैं, 4 घंटे तक भोजन इसमें अमाशय में रहता है, जो आप खाया खाना इसके बाद 4 घंटे तक भोजन अमाशय में ही रहता है। और अग्नाशय के बारे में देख लेते हैं, इसको अग्नाशय हमारा जो है, अग्नाशय में 2-3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अग्नाशय रंग गुलाबी होता है और वजन 50 से 80 ग्राम तक होता है, अग्नाशय में आकार पत्ती के रूप में होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और जो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, अधिकांश पूछा जाता है कि सबसे बड़ी शरीर की मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है, मिश्रित मिश्रित अगर पूछ लिया जाए ना, तो आप लोग अग्नाशय ही लगाएं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, समय को देखते हुए। पित्त जमा होता है, पित्त किस में जमा होता है, आप लोग भी कमेंट करें, पित्ताशय में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? हार्वे ने। अगला देखें, पेसमेकर का संबंध किससे? तो हृदय से। हृदय के बारे में डिटेल में जानना है तो पिछले वीडियो में देख लें, उसमें बताया हुआ है। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हृदय। निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? धमनी होता है इसका राइट आंसर। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो वजन घटेगा, रक्त दाब का जो परिवर्तन होता है घटता है इसका, रक्त दाब, ठीक है।
मनुष्य के शरीर में हृदय को कितनी बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा, वो 0.8 सेकेंड। अगला देखेंगे, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है 72 बार। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? जो नाड़ी दर होती है कहाँ से मापा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा, धमनी से। अगला देखते हैं, शरीर का विशालतम धमनी है, इसका राइट आंसर एरोटा। रक्त में पाई जाने वाली धातु, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, धातु के बारे में पूछा गया है, लोहा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में, किडनी से ही होता है। देखें क्वेश्चन नंबर 313 नंबर, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस। नेक्स्ट देखेंगे, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में होता है, ये तो सबको मालूम होगा। क्या इसका राइट आंसर, लोहा। हीमोग्लोबिन का किसका महत्वपूर्ण घटक है? RBC। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या करता है? ऑक्सीजन ले जाना। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाएं। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो फ्लीहा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर बताएं, 7.4। इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव रक्त का पीएच मान। और जान लेते हैं पीएच का, पीएच पैमाना का पता किसने लगाया था? तो सारेंसन ने लगाया था, यह भी एग्ज़ाम में आ जाता है कभी कभी। और चलो डिटेल में जान लेते हैं पीएच के बारे में, और थोड़ा जान लेते हैं कि जैसे कि जल का पीएच मान कितना होता है, जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 इसका जल का होता है, और दूध का 6.4 होता है, और नींबू के रस का 2.4 इसका भी होता है, नींबू के रस का। और पूछ लिया जाता है कि NaCl मतलब नमक का घोल, नमक का पीएच मान 7 होता है, नमक और जल का पीएच मान 7.7 ही होता है। और जैसे कि शराब का जो पीएच मान होता है 2.8 होता है, और समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है, और आंसू का पीएच मान 7.4 होता है आंसू का, और जो मानव के जो लार का पीएच मान होता है ये 6.5 होता है। ये आप लोग याद कर लें, फिर से चलो अगेन एक बार और बता दें आपको, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, और जल का पीएच मान 7 होता है जल का, और नमक का भी 7 होता है, और दूध का 6.4 होता है, नींबू के रस का 2.4 होता है, NaCl नमक का घोल 7 होता है पीएच मान, और पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था, सरेंसन ने लगाया था, और शराब का पीएच मान 2.8 होता है, याद कर लीजिए, और समुद्री जो जल होता है इसका 8.5 होता है, और आंसू कितना होता है, 7.4 होता है, और जो मानव का लार होता है इसका 6.5 होता है इसका। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, समय को देखते हुए, उपस्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यकता तत्व होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं, कैल्शियम। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से कौन सा, जो शरीर का कौन सा भाग है जो ज़्यादा प्रभावित कर देता है?
तो आंत होती है ना। राइट आंसर ए होगा। और निम्नलिखित में से कमी से एनीमिया रोग होता है? लोहा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान होते हैं, सीमेंट और अस्थियों में दोनों में विद्यमान होते हैं, तो इसका राइट आंसर कैल्शियम ही राइट आंसर होगा, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मानो मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जबड़ा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्पंदन का गुण पाया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हृदय। अगला देखते हैं। किस अम्ल मांसपेशी में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो इसका राइट आंसर लैक्टिक। मनुष्य शरीर, जो मानव की जो शरीर होती है, निम्नलिखित अंगों से कॉर्निया किसका भाग होता है? तो आप लोगों को अभी बताया है कौन सा भाग होता है, इमेज में बताया था आप लोगों को, तो आंख होगी इसकी राइट आंसर। देख लो, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो उसका राइट आंसर कॉर्निया। अभी आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था इमेज, वही कॉर्निया है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? आयरिस। कॉर्निया में सभी भाग थे। आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना बनता है। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्स। चलो अगला देख लेते हैं। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर कमेंट करें। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन, यही जो पसीना का विरूप होता है। चलो डिटेल में बाद में बताएंगे किसी दिन। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटा होता है? तलुए पर। तलुआ जो होता है पैर का, वही सबसे ज़्यादा मोटा होता है। पैर में चलने में चोट नहीं ज़्यादा लगती, कांटे या कुछ पथरी वगैरह नहीं, तो अगर त्वचा मुलायम होना तो चल नहीं पाओगे, इसीलिए तलुए पर सबसे अधिक मोटी खाल होती है उसकी। नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग कौन है? सबसे बड़ा अंग कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चमड़ा। चमड़ा ही एक बड़ा अंग है। चलो और देख लेते हैं। मानव त्वचा को रंग देने वाला वरलक है, तो मेलानिन है, यही जो पसीना निकलता है ना, इसी कारण होता है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा मेलानिन। और बता दें कि और आप लोग इसका आंसर आप लोग बताएं, कमेंट करना। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो मनुष्य का जो आंसू होता है उसमें ऐसा एंजाइम होता है जो जीवाणु मर जाते हैं। ऑप्शन दे रखा है, आप लोग कमेंट करें। इसका राइट आंसर जिसका सही होगा उसका जो है नाम लिया जाएगा अगले वीडियो में। फिर मिलते हैं। और लेकिन कमेंट ज़रूर करना, जो भी ए बी सी जो भी आपको लगे कमेंट करके ज़रूर बताना है आप लोगों को। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, ताकि चैनल इंक्रीज़ हो सके। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साइंस बायोलॉजी और नेक्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा है, इससे पहले पार्ट रीजनिंग हिस्ट्री, तो
तो चैनल में जा करके देख सकते हैं, और एग्ज़ाम में काफ़ी लाभ मिलेगा। चलो बस इतना ही रखते हैं आज के इस वीडियो में।